सुविधा के लिए जल्द ही एक नया प्रयोग करने जा रही है, जिससे भस्मारती परमिशन को लेकर हो रही कालाबाजारी पर रोक लगेगी। साथ ही श्रद्धालुओं के अनुभव का फायदा भी मिलेगा। एक दो दिन के बाद से ही सुविधा शुरू होगी, जिसके तहत भस्मारती में शामिल हुए श्रद्धालुओं के पास मैसेज या फोन आएगा, जिसमें 5 सवाल पूछे जाएंगे। इसमें ये भस्मारती के अनुभव के साथ साथ ये भी पूछा जाएगा कि आपकी आरती की परमिशन कैसे मिली और इसके लिए आपसे कितनी रकम ली गई है। के लिए भक्त दर्शन करने आते हैं और हम सभी की ये एथिकली मॉरली कर्तव्य है व्यवस्था और दायित्व है कि भक्त चूँकि महाकाल बाबा का है, उसको किसी प्रकार से परेशानी ना हो और उसको किसी प्रकार से कोई भी गलत तरीके से ज़्यादा पैसा लेने की कोशिश ना करे। यदि कोई व्यक्ति ऐसा पकड़ाया जाता है तो उस पर जो अधिकतम दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है वो प्रपोज की जाएगी। एक बार फिर आपको बता दें कि श्रद्धालुओं के पास एक मैसेज आएगा, जिसमें 5 सवाल पूछे जाने की खबर यहाँ पे सामने आ रही है, जिसमें से ये भी सवाल होंगे कि भस्म आरती के लिए आपको कैसे एंट्री मिली है और कितने रकम इससे आपके लिए इसके लिए आपसे वसूले गए हैं। बता दें आपको एक बार फिर कि काला बाजारी को रोकने के लिए ये कदम यहाँ पे उठाया गया, जहाँ महाकाल मंदिर समिति ने एक नया प्रयोग किया है, जिसके बाद जो है भस्मारती के बाद लोगों के पास कॉल या फिर मैसेज आएंगे। 5 सवाल इसमें पूछे जाने की खबर सामने आ रही है, जिसमें ये 2 सवाल ये भी रहेंगे कि भस्मारती के लिए आपको एंट्री कैसे मिली है और कितने रकम आपसे वसूले गए हैं। बता दें एक बार फिर आपको कि भस्म आरती से जुड़ी हुई खबर यहाँ पे सामने आ रही है। कई समय से कालाबाजारी को लेकर कई प्रकार की मामले यहाँ पे दर्ज किए जा रहे थे, जिसके बाद जो है ये कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है यहाँ पे। बता दें कि एक दो दिन बाद ये सुविधा जो है मिलने लगेगी। ये खबर यहाँ पे उज्जैन से आपको दिखा रहे हैं। श्रद्धालुओं के पास जो है मैसेज आएगा, जिसमें उनसे 5 सवाल पूछे जाएंगे।